गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 11, नेशनल मॉन्यूमेंट्स। तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ मैनी प्लेसेस टू सी। अगेन, इंडिया हैज़ मैनी प्लेसेस टू सी। इंडिया हैज़ मैनी, इंडिया हैज़ मैनी का मतलब है कई। प्लेसेस मतलब स्थान, टू सी मतलब देखने के लिए। तो भारत में कई स्थान, देखने के लिए कई स्थान हैं। दीज प्लेसेज रिमाइंड अस ऑफ अवर गोल्डन पास्ट। अगेन, दीज प्लेसेज रिमाइंड अस ऑफ अवर गोल्डन पास्ट। दीज मतलब यह है, प्लेसेज मतलब स्थान, रिमाइंड मतलब याद कराते हैं, अस मतलब हमें, अवर गोल्डन पास्ट हमारे सुनहरे पास्ट मतलब होता है भूतकाल की। तो ये स्थान हमारे सुनहरे भूतकाल की या अतीत की याद दिलाते हैं। मैच द सिटी नेम विद द मॉन्यूमेंट गिवन इन द पिक्चर। अगेन, मैच द सिटी नेम विद द मॉन्यूमेंट गिवन इन द पिक्चर। तो मैच मतलब मिलान कीजिए द सिटी नेम, शहर के नाम का, विद द मॉन्यूमेंट स्मारक के साथ, गिवन इन द पिक्चर चित्र में दिए गए। तो चित्र में जो स्मारक दिए गए उनका उनके शहर के साथ नाम हमको मैच करना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया नीचे। डू यू नो ताजमहल बिल्ट बाय शाहजहां इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगेन, ताजमहल बिल्ट बाय शाहजहां इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ताजमहल बिल्ट बाय शाहजहां, शाहजहां के द्वारा निर्मित किया गया, बनाया गया, इज वन ऑफ द वंडर। वंडर्स मतलब होता है आश्चर्य, वन ऑफ द मतलब में से एक, ऑफ द वर्ल्ड विश्व के। तो ताजमहल जो कि शाहजहां के द्वारा बनाया गया वो विश्व के आश्चर्यों में से एक है। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास चार चित्र यहाँ पर दिए गए हैं और चार शहरों के नाम भी दिए गए हैं। पांच चित्र और पांच शहरों के नाम है, इनको इनको चित्रों को शहरों के नाम से मिलान करना है। तो पहला चित्र हम देखते हैं, पहला चित्र हमारा ताजमहल का। तो ताजमहल कौन से शहर में है? ताजमहल है आगरा में, और आगरा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे, ये ताजमहल को हम मिलाएंगे ई से, आगरा से। नेक्स्ट हमारा इंडिया गेट, और इंडिया गेट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो हम इंडिया गेट को कहाँ मिलाएंगे? डी से। नेक्स्ट है हमारा चार मीनार, और चार मीनार कौन सी जगह पर है? चार मीनार है हमारा हैदराबाद में, बी में। तो हम किसको, चार मीनार को मिलाएंगे? बी से। अब नेक्स्ट है हमारे पास विक्टोरिया मेमोरियल, और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? कोलकाता। तो विक्टोरिया मेमोरियल को हम मिलाएंगे सी से, कोलकाता से। अब लास्ट जो हमारे पास दिया गया है ये है हवा महल, और हवा महल कौन से शहर में? हवा महल है हमारा जयपुर में। तो हम इसको किससे मिलाएंगे? जयपुर से, ए से। तो ये हमारा जयपुर से हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके शहरों के नाम याद करने, कौन सा मॉन्यूमेंट कौन से सिटी में सिचुएटेड है। तो ये आपको याद करना है। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।